हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो यूनिट थर्ड है उसका जो एक पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट, तो उसी के अंदर हम कंपेरेटिव स्टडी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम वर्टिब्रेट्स की जो डिफरेंट क्लास है उनके बीच में जो हार्ट है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, उनमें क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या कंपैरिजन है, समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हार्ट में क्या क्या अंतर होता है, क्या कंपैरिजन होता है, वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हार्ट जो कि एक मस्कुलर पंप होता है जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है, वर्टिब्रेट्स में ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज, ब्लड वेन्स से कनेक्ट होता है और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के वहाँ तक ब्लड को लेके जाने का कार्य ये करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एंड अदर मटेरियल जो है उनका ये काम करते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें हर्ट नहीं पाया जाता है, हाँ कॉर्डेट्स की बात करें तो हम, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हार्ट पाया जाता है वेंट्रल साइड में। तो कंपैरिजन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम हमारे सिलेबस के अनुसार देखते हैं, तो सबसे पहले हम स्कोलियोडोन फिशेस में देखते हैं। तो फिशेस का जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, ये डाइग्राम होता है। यहाँ पर जो मेन जो दो चैम्बर हैं वो तो हैं, जैसे कि एक तो हो गया एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है, दो चैम्बर हैं जो मेन हैं, एक तो आलिंद हो गया, एक निलय हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनमें दो चैम्बर और पाए जाते हैं, एक तो होता है साइनस वेनोसस और एक होता है बल्बस आर्टरियोसस। तो ये कोई स्पेसिफिक चैम्बर्स तो नहीं है, बस जो आर्टरी होती है और जो वेन होती है, आर्टरीज होती हैं जो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं और उनमें भी थोड़ा ब्लड क्या होता है कलेक्ट हो जाता है, तो उस कारण से ये भी ब्लड को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। तो इनको भी हम हार्ट का पार्ट यहाँ पर मान सकते हैं। तो जो एट्रियम के बाद में आर्टरी फूल जाती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस बोलते हैं, जहाँ से ब्लड क्या है आता है, ब्लड यहाँ से आएगा या इकट्ठा हो जाएगा साइनस वेनोसिस में, यहाँ से ब्लड इकट्ठा है वो कहाँ पे जाएगा, एट्रियम में, आलिंद में जाएगा, वहाँ से एट्रियो वेंट्रिकल जो बीच में पोर है उसके द्वारा वेंट्रिकल्स में नीले में आएगा, नीले के बाद में भी एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस। ये क्या करते हैं, हार्ट की स्पीड को कुछ कंट्रोल करने का काम करते हैं, इससे फिर ये कहाँ पर जा रहा है ब्लड, गिल कैपिलरीज में जा रहा है। तो इस प्रकार से तो फिशेस का जो हार्ट हो गया वो थ्री चैम्बर हार्ट हो जाता है, ठीक है, मेनली यहाँ पर साइनस वेनोसस एट्रियम और वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल जो है ये भी एक पार्ट से कनेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था बल्बस आर्टरियोसस या फिर कोनस आर्टरियोसस बोलते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे सेमिलुनर वाल इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं, ब्लड को वापस वेंट्रिकल्स में आने को रोकते हैं, ठीक है, तो ये काम इनका होता है। वेंट्रिकल्स है ये हार्ट के मेन पंपिंग जो मसल्स है वो वेंट्रिकल्स में पाई जाएंगी, ठीक है, और यहाँ से ब्लड जो है शरीर के हर पार्ट तक पहुँचाया जाता है इनके पंपिंग करने से। तो इनका जो फिशेस का जो हार्ट होता है, बात करें जो साइक्लोस्टोम्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, हार्ट जो है वो बिना मसल्स का होता है, और जो हैगफिशेस है उनमें नर्व फाइबर्स नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं फिशेस का, तो यहाँ पर ये देखो नीचे की साइड वेंट्रल साइड में यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ से ब्लड इकट्ठा होके आ रहा है, यहाँ ये जो पार्ट है इसको क्या नाम बताया था भाई हमने, साइनस वेनोसस। अब यहाँ से ब्लड हार्ट पंप करेगा, ब्लड ब्लड कहाँ पर जाएगा, गिल कैपिलरीज
में जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है इन गिल्स से, अब ये बॉडी में सप्लाई किया जाता है और फिर बॉडी से वापस जो ब्लड है वो कहाँ पर इकट्ठा होगा, साइनस वेनस। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, मेनली यहाँ पर इनका जो हार्ट है वो दो चैम्बर ही होते हैं, और जो अदर इसके एक्सेसरी चैम्बर है साइनस वेनोसस, और दूसरा क्या है भाई, कॉनस आर्टरियोसस या फिर बल्बस आर्टरियोसस। ठीक है, अब हम देखते हैं एम्फीबियन शर्ट। अब एम्फीबिया जो है ये थोड़े से एडवांस होते हैं किन से, फिशेस से। इनका जो हार्ट है वो यहाँ पर थ्री चैम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो एट्रियम होता है, आलिंद होता है, वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, वेंट्रिकल जो है वो एक ही रहता है। ठीक है, तो जो दो आर्ट्रियम है उनमें दो आर्टरीज कनेक्ट होती हैं, दो सर्किट वहाँ पर होते हैं, एक तो लंग से कनेक्ट होता है और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब पूरे शरीर की जो सप्लाई होती है, बॉडी की जो सप्लाई होती है उससे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर इनके जो वेंट्रिकल है वो एक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेशन होके जो ब्लड आया है, और एक जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जो ब्लड आ रहा था, ठीक है, तो वहाँ से दोनों का जो ब्लड आ रहा था, तो गिल्स लंग्स से जो आएगा वो तो कैसा होगा भाई, ऑक्सीजनेटेड होगा, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जो होगा वो यूज्ड ब्लड होगा, तो वहाँ पर उनकी ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है। तो वेंट्रिकल्स में इन दोनों की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की। तो यहाँ पर इनके हार्ट में ये एक स्पेशल चीज़ हमें देखने को मिलती है, मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम हम इनका देख सकते हैं, जहाँ पर दो एट्रियम है। ठीक है, एक तो लेफ्ट एट्रियम और एक राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो है, यहाँ से ब्लड जो है जाता है वेंट्रिकल्स में, और जो राइट एट्रियम है यहाँ से भी ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो एक है, ठीक है, यहाँ पर कोई लेफ्ट राइट नहीं है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है भाई, लंग्स से आ रहा है। ठीक है, अब लंग्स से जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ये तो ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यहाँ पर CO2 होगी। तो यहाँ पर इन दोनों की क्या हो जाती है भाई, वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड अब जाएगा पूरी बॉडी में वेंट्रल ओर्टा के द्वारा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, राइट पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, तो यहाँ पर ये जो ब्लड होता है कैसा होता है, मिक्स्ड मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये इनका एक स्पेशल फीचर है इनके। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, रेप्टीलिया के हार्ट्स में। इनका जो हार्ट है वो भी कैसा होता है, थ्री चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर वेंट्रिकल जो होता है उसमें थोड़ा बहुत सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, हालांकि कंप्लीट सेपरेशन यहाँ पर भी नहीं होता है। ठीक है, तो सेम कंप्लीट सेप्टम तो होता है एट्रियम में, लेकिन इनकम्प्लीट होता है वेंट्रिकल्स। तो इनके हार्ट में एक चीज़ और पाई जाती है जिसको हम फोरामन ऑफ पनीजा बोलते हैं, जहाँ पर दो तरह के ब्लड जो है वो मिक्स होता है, और ये जो फिर मिक्स्ड ब्लड है ये भी इनको बॉडी ऑर्गन को सप्लाई किया जाता है। तो ये डायग्राम हम देख सकते हैं, जहाँ पर लेफ्ट एट्रियम होता है और राइट एट्रियम होता है, साइनस वेनोसस यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, वेंट्रिकल्स यहाँ पर देखो यहाँ तक थोड़ा बहुत यहाँ पर इनमें डिवीजन मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर ये बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ब्लड की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। ठीक है भाई, तो जो छोटा सा जो पार्ट जो बच गया हार्ट में उसको हम बोलते हैं क्या, जहाँ पर वेंट्रिकल्स थोड़े बहुत लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं फोरामन ऑफ पनीजा। ठीक है, तो एक पनीजा नामक साइंटिस्ट ने खोजा था।
तो जहाँ पर फोरामन और पनीजा जो दोनों को कनेक्ट करता है, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का मिक्सिंग एक दूसरी वेंट्रिकल्स में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, रेप्टिलिया में जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो एकमात्र ऐसे जीव है जिनका ब्लड कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है। उनमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, हमें फोरामन ऑफ पैनीजा देखने को नहीं मिलेगा। इनका वो जो हार्ट है वो एकदम बर्ड्स के जैसा होता है। अब जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनका हार्ट लगभग सेम होता है। दोनों का हार्ट कैसा होता है, कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एकदम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो बर्ड जो है वहाँ पर दोनों जो एट्रियम है और जो वेंट्रिकल है उनमें एक सिंगल वॉल होता है, जबकि मैमल्स में हमें डबल या फिर ट्रिपल वॉल भी देखने को मिलते हैं। इतना ही फर्क होता है दोनों में। तो ये डायग्राम है जो कि बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट होता है कम्प्लीटली चैम वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से डिवाइड यहाँ पर दोनों होते हैं। लेफ्ट ओरिकल और राइट ओरिकल भी आपस में सेपरेट होते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी आपस में एक दूसरे से कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, कुछ वॉल्व होते हैं जो कि इन चैम्बर्स को क्या करके रखते हैं, आपस में कनेक्टेड करके रखते हैं। और वो वॉल्व कब होते ओपन होते हैं, जब उनकी आवश्यकता होती है तभी वो वॉल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो मैमेलियन हार्ट की हम बात करें तो कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड यहाँ पर इनका जो हार्ट है वो दिखाया गया है। तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, वहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकप्सिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। हालांकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में सेमी ल्यूनर वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके द्वारा राइट वेंट्रिकल्स से जो है वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाता है जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किधर आएगा, लेफ्ट साइड में। यहाँ से फिर वो पूरी बॉडी में जाता है ब्लड, और पूरी बॉडी से फिर वापस कनेक्ट कर लिया जाता है वेने कोवा के द्वारा, और वो राइट वेंट्रिकल में। तो इस तरह का ये जो सर्कुलेशन होता है इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो रक्त जो है दो बार हृदय से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार ये एक कंपैरेटिव स्टडी थी हार्ट की, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।